दोस्तों ये है मेरे पास थोड़ा सा डेटा जो कि बैंक कस्टमर्स की डिटेल है। यहाँ पे हैं कस्टमर्स के नेम, बैंक नेम, अकाउंट नंबर्स, अकाउंट टाइप। थोड़ा सा ध्यान से आप देखिए, यहाँ इस डेटा में एक ही कस्टमर के कई अलग-अलग अकाउंट हैं। मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप देख सकते हो। आयुष जो कस्टमर है उसके 4 अकाउंट हैं। अब वो इस डेटा में से हम नेम को लुकअप वैल्यू बना के वी लुकअप से डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो कैसे करें? और हम ये चाहते हैं कि जो भी लुकअप वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूँ, जो कस्टमर नेम मैं यहाँ पे लिखूँ, मान लीजिए आयुष लिखा, तो आयुष नाम के जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सारे के सारे वी लुकअप हमें निकाल के दे दे यहाँ पे, है ना? बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। देखिए मैंने यहाँ पे सब कुछ सेट कर रखा है, बस लुकअप वैल्यू यहाँ पे टाइप करनी है। मैंने यहाँ पे टाइप किया आयुष, तो आप देखिए यहाँ पे आयुष का पूरा रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट होके आ गया वी लुकअप से, है ना? तो नॉर्मल वी लुकअप क्या करता है, इस वैल्यू को चेक करेगा कहाँ पे है, तो सबसे पहली लुकअप वैल्यू का डाटा आपको दिखाता है। बट यहाँ पे जो वी लुकअप काम कर रहा है वो सेम लुकअप वैल्यू जहां जहां पे है सभी का डाटा आपको निकाल के दे रहा है ना? अगर आप यहाँ पे कोई दूसरा कस्टमर का नेम टाइप करते हो तो ये उसका पूरा डाटा निकाल के आपको दे देगा। तो ये वी लुकअप आप कैसे लगाओगे दोस्तों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आपके बहुत काम आ सकता है। वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिए। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। नाउ लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। दोस्तों ये जो नेम यहाँ इस डेटा में है ये बार बार रिपीट है, तो हमें सबसे पहले काम करना है इन सभी नेम्स को यूनिक बनाना है, जिसके लिए हमें एक हेल्पर कॉलम की जरूरत पड़ने वाली है। और वो हेल्पर कॉलम आपके डेटा में सबसे पहले नंबर पे होना जरूरी है, यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे हम नेम्स को यूनिक बनाएंगे, यूनिक कैसे बनाएंगे थोड़ा आप समझिए। यहाँ पे आयुष फर्स्ट टाइम है तो यहाँ पे लिखा है आयुष 1, यहाँ पे आयुष सेकंड टाइम आ गया तो यहाँ इसके सामने लिखा है आयुष 2, यहाँ पे आयुष 3, यहाँ पे आयुष 4। उसी तरह से यहाँ पे लिखा है रोहित 1 और यहाँ पे रोहित 2, तो कुछ इस तरह से हम इनको यूनिक बनाएंगे। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कोई हेडर टाइप कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया हेल्पर, कोई भी नेम आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस नेम वाले सेल पे क्लिक किया, होम टैब पे गया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके इस सेल पे क्लिक कर दिया, तो सेम फॉर्मेटिंग यहाँ भी लग गई। अब मैं इस कॉलम की जो विड्थ है उसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ इस तरह से, क्योंकि मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाऊंगा और वो फॉर्मूला आपको साफ दिखना जरूरी है। चलिए यहाँ पे मैंने लगाया इक्वल का साइन और इस सेल पे क्लिक किया, पहले नेम पे C4 सेल पे। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा एंड का साइन, ये इस तरह से थोड़ा जूम कर लेता हूँ और ये देखिए, ठीक है? तो एंड का साइन लगाया, उसके बाद डबल कोट्स आप लगाइए और अंडरस्कोर लगाइए, फिर से डबल कोट्स को बंद कर दीजिए, फिर से एंड का साइन लगाइए और यहां पे आपको लगाना है काउंट इफ फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन करनी है काउंट इफ वाली। अब यहां जो रेंज आपको देनी है काउंट इफ के अंदर वो देनी है इस सेल से इसी सेल तक, और इसका नेम क्या है आप देख सकते हो सी, और इधर जाओगे तो 4, तो इसका जो नेम है वो है C4। ठीक है, तो यहां मैंने कीबोर्ड से टाइप किया C4 कॉलन C4, ये हो गई रेंज। तो पहला जो C4 है इसको आप लॉक कर दीजिए, यहां क्लिक करिए इस पे और कीबोर्ड से प्रेस कीजिए F4, तो ये लॉक हो गया। उसके बाद यहां आप कॉमा लगाइए, कॉमा लगाओगे तो कह रहा है क्राइटेरिया आप दीजिए, काउंटिफ कह रहा है क्राइटेरिया आप दीजिए, तो क्राइटेरिया में हमें क्या करना है, इसी सेल पे क्लिक कर देना है इसी पे। अब इस ब्रैकेट को जो काउंट इफ की है इसको आप कर दीजिए क्लोज, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट है। ठीक है, काउंट इफ तो दोस्तों आता होगा आपको, सिंपली रेंज के अंदर कोई वैल्यू काउंट करने के काम आता है,
नहीं आता तो वीडियो के नीचे मैंने लिंक दे रखा है, आप जरूर इसको सीखिए। तो अभी मैंने एंटर किया तो यहाँ पे आ गया आयुष वन। इस फॉर्मूले को मैं नीचे कर देता हूँ ड्रैग इस तरह से, तो आप देखिए यहाँ काम हो गया आयुष वन, आयुष टू और यहाँ पे आयुष थ्री, आयुष फोर। उसी तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे रोहित वन, रोहित टू। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे हेल्पर कॉलम क्रिएट हो गया। ये काम कैसे कर रहा है आप देखिए, यहाँ डबल क्लिक किया तो countif फंक्शन क्या कर रहा है, C4 से C4 तक काउंट कर रहा है, C4 के अंदर जो वैल्यू है ना। तो C4 से C4 के अंदर जो वैल्यू है वो एक ही बार है आयुष, तो यहाँ पे countif फंक्शन 1 दे रहा है। और यहाँ पे जो कॉन्केटिनेट हमने लगाया है कि C4 के अंदर जो नेम है आयुष, उसके बाद अंडरस्कोर आए, उसके बाद countif ने जितनी बार इसको गिना है वो आ जाए, तो countif ने इसको एक ही बार गिना तो यहाँ पे 1 आ गया, इसलिए यहाँ पे आ गया आयुष अंडरस्कोर 1। और यहाँ आप जाओगे आयुष 2 पे डबल क्लिक करके देखते हैं, यहाँ देखिए countif ने काउंट किया C4 से C6। तो यहाँ पे countif फंक्शन ने आयुष को सेकेंड टाइम पाया, तो countif फंक्शन यहाँ पे रिटर्न कर रहा है 2, ठीक है। तो C6 के अंदर जो वैल्यू है आयुष, फिर उसके बाद अंडरस्कोर और उसके बाद countif ने दिया 2, तो यहाँ पे आ गया आयुष 2। तो कुछ इस तरह से दोस्तों काम कर रहा है। ये हो गया हमारा हेल्पर कॉलम कंप्लीट। अब हम एक काम करेंगे, इन हेडिंग्स को यहां से कॉपी करेंगे, सभी हेडिंग्स को यहां से लेके यहां तक कंट्रोल सी, जाएंगे शीट 3 पे और इनको यहां पे पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी इस तरह से। मैं जो दोस्तों डाटा को एक्सट्रैक्ट करूंगा वो शीट 3 पे करूंगा, शीट 2 पे मेरा डाटा है। अगर मैं इसको जूम आउट करता हूं और यहां पे डाटा को एक्सट्रैक्ट करता हूं तो आपको सही से दिखाई नहीं देगा, ठीक है। इसलिए मैं एक अलग सीट पे डाटा को एक्सट्रैक्ट करूंगा, सीट 3 पे। तो हेडिंग्स मैंने पेस्ट कर दी, यहां पे मैं लुकअप वैल्यू के लिए एक सेल सेट कर लेता हूं, ये वाला। कीबोर्ड से प्रेस करता हूं कंट्रोल F1 तो रिबन शो हो जाएगा, इस सेल पे क्लिक किया, इसको हाईलाइट कर दिया और इन दोनों को सिलेक्ट करके बॉर्डर लगा दिया। यहां पे हम लुकअप वैल्यू पास करेंगे। चलिए, ये जो हेल्पर कॉलम है दोस्तों, यहां पे आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, यहां पे बस सीरीज से काउंटिंग टाइप करनी है इस तरह से, ठीक है। आपको जितना लगता है कि पॉसिबल रिकॉर्ड्स मैक्सिमम इतने हो सकते हैं तो आप यहां पे सीरीज फिल कर दीजिए। मान लीजिए हमें लगता है कि हमारे 10 मैक्सिमम रिकॉर्ड्स यहां पे आ सकते हैं तो आप यहां 1 से 10 तक काउंटिंग एंटर कर लीजिए। ज़्यादा लगता है तो आप एक बार इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इसको ड्रैग कर लीजिए जितना भी आपको चाहिए। उसके बाद यहां पे हम लगाएंगे पहला वी लुकअप। कैसे लगाएंगे आप देखिए, उससे पहले एक काम और करते हैं दोस्तों, हमें सीट 2 से ये टेबल बार बार वी लुकअप में सिलेक्ट करनी होगी। तो आप एक काम कर लीजिए, टेबल को एक बार सिलेक्ट कर लीजिए और फॉर्मूला टैब में जाइए और यहाँ डिफाइन नेम पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे आप देखोगे न्यू नेम, एक विंडो आई है आपके सामने, यहाँ पे इस टेबल का कोई एक नेम सेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक नेम टाइप कर दिया इस टेबल के लिए, डेटा। आप कोई भी नेम यहाँ पे दे सकते हो, तो मैंने इस टेबल का एक नेम दे दिया डेटा, ओके कर दिया। तो अब इस टेबल को मैं सिलेक्ट करने की वजह है VLOOKUP में डायरेक्ट डेटा नेम टाइप कर सकता हूँ। ये डेटा नेम आप यहाँ भी टाइप कर सकते हो, इधर इस नेम बॉक्स में टेबल को सिलेक्ट करो और यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा ऑलरेडी दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे नेम लिखा हुआ। तो आप नेम डिफाइन नेम पे क्लिक करने की वजह है आप डायरेक्ट यहाँ पे भी टेबल का नेम लिख के एंटर कर सकते हो। बट अगर इस नेम के अंदर आपको कोई चेंज करना है, टेबल की जो रेंज है उसको एडिट करना है, नेम को एडिट करना है, तो आप फॉर्मूला टैब के अंदर नेम मैनेजर पे जाइए और यहाँ आप इसको एडिट कर सकते हो। देखोगे यहाँ पे एक नेम रेंज है डेटा नाम से, इसको आप डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको करता हूँ क्लोज और जाता हूँ सीट 3 पे और यहाँ पे लगाते हैं वी लुकअप फॉर्मूला। वी लुकअप
ब्रैकेट ओपन। अब इसमें जो लुकअप वैल्यू हम देंगे वो थोड़ा आप ध्यान से देखिए, मैंने इस सेल पे क्लिक किया और इसको लॉक कर दिया। मैं यहाँ पे नेम टाइप करूँगा, ठीक है, लॉक कर दिया। उसके बाद आप कीबोर्ड से एंड का साइन लगाइए, डबल कोट्स ओपन कीजिए और यहाँ पे अंडरस्कोर टाइप कीजिए, डबल कोट्स क्लोज, फिर से एंड का साइन लगाइए और इस सेल पे क्लिक कर दीजिए, इस पे, ठीक है। तो ये बन गई लुकअप वैल्यू। मान लो मैंने यहाँ पे टाइप किया आयुष, तो प्रॉपर जो लुकअप वैल्यू बनेगी वो बनेगी आयुष अंडरस्कोर वन, ठीक है। कॉमा लगाएंगे, उसके बाद टेबल अरे। यहाँ पे हमें टेबल सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेबल का हमने एक नेम दिया है जो कि है डेटा, तो आप यहाँ टेबल का नेम टाइप कर दो, कॉमा। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, हमें क्या लाना है यहाँ पे, नेम, और नेम हमारी डेटा टेबल में सेकेंड नंबर पे है। ये दोनों हेडिंग, ये हेडिंग्स जो हैं दोनों टेबल के अंदर सेम है, आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया टू कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो, ब्रैकेट क्लोज कर दी, तो ये वी लुकअप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एंटर प्रेस किया तो एन ए एरर आया, क्योंकि हमने कोई लुकअप वैल्यू टाइप ही नहीं की है। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ रोहित, आप देखिए यहाँ पे नेम आ गया, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को आप नीचे ड्रैग कर सकते हो इस तरह से, तो आप देखोगे यहाँ पे तीन रोहित मिले। जो पहला यहाँ पे वी लुकअप है, इसमें जो लुकअप वैल्यू है वो है रोहित और B6 की वैल्यू अंडरस्कोर के बाद, रोहित अंडरस्कोर B6 मतलब वन, रोहित वन। और सेकेंड जो वी लुकअप है यहाँ पे आप देखिए रोहित अंडरस्कोर और इस सेल की वैल्यू, मतलब रोहित अंडरस्कोर टू, और यहाँ पे रोहित अंडरस्कोर थ्री। ये है लुकअप वैल्यूज इन फॉर्मूलेज में, और ये रोहित वन, रोहित टू, रोहित थ्री हमारी टेबल के अंदर पहले कॉलम के अंदर मौजूद हैं। तो वी लुकअप यहाँ पे इन लुकअप वैल्यूज को चेक कर रहा है, यहाँ पे चेक नहीं कर रहा, इस कॉलम में चेक कर रहा है, ठीक है। उसके बेस पे डाटा आपको निकाल के दे रहा है। तो अब मैं वापस गया सीट थ्री पे, और यहाँ अभी इस फॉर्मूले में हमें बहुत कुछ करना बाकी है। मैं यहाँ से इनको करता हूँ डिलीट, इस पे करता हूँ डबल क्लिक, और पहले मैं काम करूँगा इस फॉर्मूले को यहाँ कॉपी करूँगा, यहाँ कॉपी करूँगा, यहाँ कॉपी करूँगा, तो इस वाले सेल को भी हम लॉक करेंगे, कॉलम लॉक कर दें कि ये इधर ना आए, ठीक है। तो ये जो सेल है वो ये वाला है B6, तो B से पहले मैं डॉलर का साइन लगा दूंगा, ये लगा दिया मैंने, कॉलम लॉक कर दिया, यहाँ पे रो लॉक नहीं होगा, ठीक है। दूसरा आप यहाँ जाइए टू के बाद, यहाँ टू को हटाइए और आपको एक कॉलम्स का फॉर्मूला यहाँ लगाना है। तो मैंने टाइप किया कॉलम्स ब्रैकेट ओपन। इस कॉलम्स फंक्शन में हम एक रेंज सेट कर देंगे और ये उस रेंज के अंदर काउंट करता रहेगा कितने कॉलम हुए, और उसी के अकॉर्डिंग वी लुकअप वैल्यू उठाता रहेगा। तो कॉलम्स की ब्रैकेट मैंने ओपन की, और उसके बाद आप हेल्पर के ऊपर वाले सेल पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप लगाइए कॉलन का साइन। जैसे ही कॉलन का साइन लगाओगे तो ये एक रेंज यहाँ पे बन गई B4 से B4। जो पहले वाला B4 है ना, इसको आप लॉक कर दीजिए, F4 दबाइए तो ये लॉक हो गया। अब हम जो वी लुकअप से वैल्यू चाहते हैं वो चाहते हैं नेम, तो हमें जो ये कॉलम्स फंक्शन है इसके अंदर रेंज देनी होगी इस सेल से इस सेल तक, नेम के ऊपर वाले सेल तक, और इस सेल का नेम क्या है, C4। तो यहाँ पे जो रेंज हुई B4 से C4, तो मैं यहाँ B को हटा के यहाँ पे C टाइप कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद ये कॉलम्स की जो ब्रैकेट है इसको हम बंद कर देते हैं, अब यहाँ ये ऑटोमेटिक काम करेगा। अभी कॉलम्स फंक्शन यहाँ पे क्या करेगा, इस सेल से इस सेल तक काउंट करेगा कितने कॉलम हुए, दो, तो यहाँ पे ये रिटर्न करेगा टू, तो वी लुकअप ऑटोमेटिक सेकेंड कॉलम से वैल्यू उठा के दे देगा। एंटर प्रेस किया, यहाँ पे सही आया, और मैंने इस फॉर्मूले को इधर ड्रैग कर दिया, तो आप देखिए प्रॉपर सही रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे
आप डबल क्लिक कीजिए तो वी कॉलम्स फंक्शन की जो रेंज है वो आप देख सकते हो, B4 से E4, यहां से लेके यहां तक कितने कॉलम हुए, 4 कॉलम। तो ऑटोमेटिक वी लुकअप 4 कॉलम से वैल्यू उठा के आपको दे रहा है। तो ये काम यहां पे हो गया। इस फॉर्मूले को आप नीचे ड्रैग कर सकते हो सभी को इस तरह से, जहां तक आपकी डेटा रेंज है, मतलब जहां तक आपने सीरियल्स ले रखे हैं। अब यहां पे एक NA एरर आ गया। आप एक काम कीजिए, पहले वी लुकअप पे डबल क्लिक कीजिए और यहां पे इफ एरर लगा दीजिए। इक्वल के बाद क्लिक किया और यहां पे लगाया इफ एरर, ब्रैकेट ओपन की, और लास्ट में आप जाइए कॉमा लगाइए, डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए इफ एरर की, और एंटर कर दीजिए। बस अब इस फॉर्मूले को आप ड्रैग कर दीजिए इधर और फिर इसको ले जाइए नीचे। तो ये काम यहां पे हुआ कंप्लीट। ओके दोस्तों, अब इस हेल्पर कॉलम को आप हाइड भी कर सकते हो, राइट क्लिक और हाइड, और उसके बाद आप अपनी डेटा पे जाके जहां पे आपका डेटा है सीट 2 पे, इस कॉलम को भी आप हाइड कर सकते हो। ये हो गया। अब आप यहां पे कोई भी लुकअप वैल्यू टाइप कीजिए, कोई नेम टाइप कीजिए। तो मैंने टाइप किया आयुष, एंटर किया तो देखिए आयुष का पूरा डाटा यहां पे आ गया। मैंने टाइप किया रोहित तो यहां पे रोहित का डाटा आ गया। तो ऐसे लगाते हैं दोस्तों ये वी लुकअप। यहां पे आपके नेम्स थे, अगर नेम्स की जगह कोई न्यूमेरिक वैल्यूज हो, अकाउंट नंबर, फोन नंबर या आधार नंबर, तो वी लुकअप लगाने का तरीका सेम ही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल दीपक एडू वर्ल्ड को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।